दोस्तों आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आप YouTube का एल्गोरिदम का और उसका रिक्वायरमेंट दोस्तों आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि YouTube का रिक्वायरमेंट क्या है और उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है। हाँ दोस्तों, आप दोस्तों क्या करते हैं कि वीडियो पर वीडियो अपलोड करके दोस्तों बहुत सोचते हैं कि मेरा वीडियो ये वायरल हो जाएगा, तो दोस्तों वो वीडियो वायरल हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपका ऐसे में कभी भी वीडियो वायरल नहीं होता है। दोस्तों इसका रीज़न है कि आप YouTube को अच्छी तरह से समझा ही नहीं पा रहे हैं कि मेरा वीडियो किसके पास भेजना है। हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसका एल्गोरिदम काम कैसे करता है और इसके रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखिएगा। नहीं तो दोस्तों आप लाइफ में कितना भी वीडियो 100 200 300 400 दोस्तों कितना भी वीडियो अपलोड कर लीजिए, आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिए, इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि दोस्तों एक से एक नया नया टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और दोस्तों उसको अपलोड कर देते हैं और सोचते हैं कि यह मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा तो वो मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, और ऐसे में आपका वीडियो वायरल नहीं होता है और आप दोस्तों रह रह के परेशान हो जाते हैं कि मेरा वीडियो रह रह के वायरल ही नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर गलती करते हैं, आप यूट्यूब का दोस्तों एल्गोरिदम को ही नहीं समझ पाते हैं और इसका दोस्तों क्या रिक्वायरमेंट है वही नहीं समझ पाते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर दोस्तों आपको कहीं पे एक लेटर भेजना है तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, उस लेटर को भेजने के लिए दोस्तों आपको एड्रेस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और किसके पास भेजना है। अगर दोस्तों अगर आपका उसका नाम और एड्रेस ही पता नहीं रहेगा तो दोस्तों आप कैसे किसी पास एड्रेस लेटर को भेज सकते हैं। सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी वैसा ही होता है, अगर आप वहाँ पर नाम और एड्रेस ही नहीं बताइएगा तो दोस्तों आपका वीडियो को कैसे एक ज़रूरतमंद तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों उसके लिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो एड्रेस कहाँ पे लिखाता है और वो एड्रेस कैसे लिखाता है दोस्तों, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों और स्किप मत करिएगा, पूरा दोस्तों कंटिन्यू देखते रहिए। मैं आपको यहाँ पर दोस्तों लाइव ही प्रूव करके दिखा देता हूँ कि वो एड्रेस कहाँ पर लिखाता है, यानी कि उसको क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होता है यूट्यूब को और उसका क्या चीज़ मांग है कि वो दोस्तों आपको वीडियो को एक दूसरे तक भेज सकता है, जो भी आपका कैटेगरी का है। हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अपना स्क्रीन पर आ गए हैं, तो चलिए आपको करके यहाँ पे लाइव ही प्रूफ करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये मेरा स्टूडियो है, दोस्तों ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है, दोस्तों आप यहाँ से लाइव ही करके मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज दिखेगा दोस्तों, आपका स्टूडियो अगर आप खोलिएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग पर सिंपल से जाना है दोस्तों, क्योंकि हमको एड्रेस दोस्तों सिंपल सेटिंग में ही मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपल सा सेटिंग में आ जाना है आपको, और सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे, तो दोस्तों आपको सिंपल सा इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर आना है चैनल पर। हाँ दोस्तों आप अपने मोबाइल पर भी बहुत ही इजीली से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, और बेसिक इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे कीवर्ड एक लिखने के लिए आएगा। हाँ दोस्तों, जैसे आप अपने वीडियो में कीवर्ड टैग लगाते हैं ना दोस्तों, वहीं पर आपको यहाँ पे एक टैग लगाने के लिए दिखेगा, और जो दोस्तों आप वहाँ पे फ्लिप नहीं करते हैं यही दोस्तों एड्रेस के रूप में है जो आपका दोस्तों वीडियो को वायरल करता है। हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे चैनल का दोस्तों यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है कि आप दोस्तों जब तक एड्रेस नहीं दीजिएगा आपको सही लोग तक आपका वीडियो नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ दोस्तों, ये एड्रेस के रूप में यही है, जैसे मैं दोस्तों आपका जिस कैटेगरी से है चैनल उस कैटेगरी के दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टेक जुम्बो है दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल में टेक जुम्बो लिखे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरा टेक जुम्बो अपना चैनल के नाम 100% लिखना है, ताकि दोस्तों बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं उनके दोस्तों नीचे भी आपका वीडियो आए। और दोस्तों आपको जिस रिलेटेड से है दोस्तों, जिस कैटेगरी से आपका चैनल है उस कैटेगरी का नाम इसमें 100% रखना है। जैसे आपका कुकिंग का चैनल है, या फिर ब्लॉग का चैनल है, या फिर टेक्नोलॉजी का चैनल है, और जिस कैटेगरी का वीडियो बनाते हैं इसमें दोस्तों आपको 100% लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर मैं यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स दे रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स लिखा हुआ है, तो यूट्यूब रिलेटेड वीडियो है दोस्तों, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो है, और टेक रिव्यू है
है दोस्तों, मतलब मेरा इस प्रकार का है दोस्तों, ये मेरा एड्रेस के रूप में हो गया, ये मैं चैनल के दिया हूँ दोस्तों, वीडियो के लिए तो कोई और लगता है लेकिन ये मेरा चैनल का है दोस्तों, और चैनल से ये इतना जितना भी वीडियो बन रहा है वो चैनल पर ही बन रहा है। और ऑब्वियसली बात है, चैनल को जब तक आप यहाँ पे टैग नहीं दीजिएगा, कीवर्ड नहीं दीजिएगा, तो आपका वीडियो को वो समझ ही नहीं पाएगा। इसका एल्गोरिदम को आप मतलब यहीं से समझ पाइएगा, क्योंकि इसका एल्गोरिदम चलता है, जब तक आप इसको कीवर्ड के रूप में नहीं दीजिएगा वो आपका वीडियो को कहीं भी दूसरे जहां नहीं दे सकता है। तब तक दोस्तों इस प्रकार आप अपने चैनल पे दोस्तों कीवर्ड लगाइए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन में है, इस प्रकार आप कीवर्ड लगाइए और सेव कीजिए, उसके बाद देखिए दोस्तों आपका वीडियो का क्या रैंकिंग करता है और दोस्तों आपका वीडियो वायरल करता है कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों सिंपल सा बात है, इस वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर, और अभी तक चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके तक दोस्तों पहुंच सके। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।